सर उन लोग पांच लोग सात लोग चले गए हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरह से इनकी तरफ पुलिस पहुंची? ये अभी घटना हुई थी यहाँ पर, इसमें एक व्यापारी है उनके साथ में फ़ोन के माध्यम से बात करके उनके साथ में ठगी हुई थी, जिसके क्रम में एक मुकदमा 265/2022 ये धोखाधड़ी के और ठगी के रूप में लिखा गया है। इसमें व्यापारियों का एक ग्रुप मेरे से मिला भी था कि इस घटना का अनावरण किया जाए, इसमें टीम लगा के इसका अनावरण किया, तो इसमें एक बड़ा शातिर ग्रुप इसमें मिला, जिसमें दो व्यक्ति विदेशी नागरिक भी हैं जो नाइजीरिया से, जो दिल्ली में रहते हैं, और इसमें पाँच अन्य लोग हैं जिसमें से तीन पीलीभीत से हैं और दो बरेली से हैं। इनका जो गिरोह है वो बड़े संगठित रूप से काम करता था, जिसमें व्यापारी या किसी व्यक्ति को जिसको ठगना है उससे जो बात करते थे वो इंग्लिश में अन्य चीज़ों में ये नाइजीरियन जो व्यक्ति है वो करते थे, और उनको जो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो प्रोवाइड करना था, जिसमें कि अलग अलग लोगों के नाम पे फर्जी पते पे सिम कार्ड उपलब्ध कराना या मोबाइल फ़ोन से या जिन अकाउंट में पैसा मंगवाना है वो अकाउंट भी यहाँ के लोकल बैंक के होते थे, तो वो अकाउंट भी किसी गांव के व्यक्ति या जो ये लोग पीलीभीत से या बरेली से पकड़े ये लोग वो अकाउंट उनको प्रोवाइड करा देते थे। उसका ATM कार्ड, उसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसका पासबुक, ये सभी उन्हीं लोगों के पास में रहता था, और इनको ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो एक कट भी देते थे, जितना पैसा वो कमाते थे उसमें से कुछ पैसा ये चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए इनको भी उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इस घटना पे जब टीम ने काम करना चालू किया तो पूरे सभी गैंग को आज पकड़ा है, और इसमें दो विदेशी नागरिक जो इसको पूरा बातों को करना और ऑपरेट करना कराते थे, और दो पांच अन्य लोग तो इस पूरे सिस्टम का सपोर्ट उनको देते हुए सब चीज़ें फर्जी पते पे उपलब्ध कराना, अकाउंट बुक कराना ही करते थे। सातों को अरेस्ट किया है, इनके पास से 75,000 रुपये नकदी बरामद हुई है, हमारे जो व्यापारी के साथ घटना हुई थी उसमें भी 75,000 रुपये जमा कराए गए थे, इसके अलावा 12 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं और 29 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इन सिम कार्ड का उपयोग करके ये सब घटनाएं कारित की जा रही थी, और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। इनसे और भी पूछताछ हम लोग करेंगे ताकि अन्य कहाँ कहाँ इन्होंने घटनाएं की वो पता चलेगा। अभी जो प्राथमिक पूछताछ है उसमें ये पता चला है कि इन्होंने बरेली और दिल्ली में कुछ घटनाएँ की हैं, परंतु अभी उनके FIR नंबर्स पता कराने हैं, तो इनसे डिटेल में पूछताछ करके उन घटनाओं को भी इससे लिंक किया जाएगा। ये लोग कितने दिनों से कितने दिनों का ये इनसे अभी जो पूछताछ हुई है ये लगभग 1-1.5 साल से इस टाइप की घटनाएं कर रहे हैं, और इनका संपर्क भी जो पीलीभीत और बरेली के लोग हैं उनसे तब से है, और ये सब जो सिम कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो सब उपलब्ध इनके द्वारा उनको कराया जा रहा था और इससे पैसा कमाया जा रहा था। तो बिल्कुल इनको जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत दूतावास में इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, वो हम दे रहे हैं।